प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर नीतियां बदलने की जरूरत, संसद में सरकार ने पेश की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश को बजट में मिला बड़ा तोहफा, नई राजधानी के लिए केंद्र देगा 15,000 करोड़ रुपए। चीनी कंपनियों के निवेश को देना होगा बढ़ावा, पाटनी होगी शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई, आर्थिक सर्वेक्षण की अहम बातें। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया सिलेंडर सस्ता होने से ईंधन महंगाई घटी, जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान। केंद्र सरकार की ओर से बिहार को बजट में बड़ा तोहफा, एक्सप्रेसवे बनेगा, नए मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्री ने लॉन्च की 3 स्कीमें, पहली बार नौकरी पाने वालों को सरकार देगी 15,000 रुपए। चार 1.1 करोड़ रोजगार देश में पढ़ने के लिए 10 लाख का लोन, बजट में युवाओं के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खोला पिटारा। प्यास योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान, योजना के तहत बनाए जाएंगे 3 करोड़ नए घर। वित्त मंत्री ने पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर किया बड़ा ऐलान, नेचुरल फार्मिंग और उत्पादकता बढ़ाने पर सरकार का जोर। आम बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण ने अपने नाम किया नया रिकॉर्ड, पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को छोड़ा पीछे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार भी जीता दिल, 1 करोड़ घरों के लिए मुफ्त सोलर एनर्जी। बेरोजगारों के लिए सरकार ने बनाया धांसू प्लान, अगले 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को मिलेंगे मौके। पहली बार नौकरी पाने वालों को सरकार का बड़ा तोहफा, पीएफ का 1 महीने का योगदान भी। इलेक्ट्रिक कारें होंगी अब सस्ती, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान से खुशी में झूम उठे लोग। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार का बड़ा ऐलान, एक राष्ट्र एक चुनाव, नीट के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अयोध्या में राम मंदिर में पुजारियों के लिए जारी किए गए रोस्टर पर रोक, पहले ही तरह ही होगी पूजा। लखनऊ में 1 सप्ताह बाद भी नहीं बनी डिजिटल अटेंडेंस से संबंधित कमेटी, 29 को घेराव की तैयारी तेज। मुजफ्फरनगर में दुकानों से हटाए जाने लगे नाम, कांवड़ मार्ग से दुकानदारों ने उतारे फ्लैग्स। वाराणसी में 21 की जगह 45 यादव बंधुओं ने गर्भगृह में किया बाबा का जलाभिषेक, 18 राज्यों से आए 50,000 लोग।
बरेली में मुस्लिम धर्म अपनाने की बात से 24 घंटे में ही पलटे भाजपा महानगर उपाध्यक्ष, बोले मैं सनातनी। लखनऊ में सीएम की बैठक में नहीं गए ओम प्रकाश राज, पर केशव प्रसाद मौर्य से मिले, दोनों नेताओं की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल। रामपुर बस हादसे में बड़ा खुलासा, हेल्पर चला रहा था वोल्वो, 50 से ज्यादा घायलों का चल रहा उपचार। आगरा में ईडी की 4000 संपत्तियों पर संकट, 610 आवंटन होंगे निरस्त। आगरा में हरियाणा की युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता के बयानों में उलझी पुलिस। आगरा में 3 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के घर सौर ऊर्जा से होंगे रोशन, 16,805 हुए पंजीकृत। साढ़े 10,000 हेक्टेयर में बरसेगा न्यू आगरा, आगरा अर्बन सेंटर को संवारने और सजाने में 40,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। नौचंदी अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनों के रूट बदले, कई स्टेशनों पर नहीं होगा ठहराव। शाहबाद में हिरासत में युवक को दी यातना, चौकी इंचार्ज समेत 3 निलंबित, एसपी बोले लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। शाहजहांपुर में सरकारी स्कूलों में उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल, प्रार्थना के दौरान बेहोश होकर गिरा छात्र। वाराणसी में सीबीएसई में 6वीं में पढ़ाया जाएगा विष्णु पुराण और कश्मीर का हाल, पाठ्यक्रम में किया गया नया बदलाव। अलीगढ़ में गंगा तट की 47.74 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का विरोध, जमीन वापस नहीं मिलने पर पलायन का ऐलान। अलीगढ़ में पूर्व विधायक की शिकायत पर थेरेपी सेंटर की पूरी बिल्डिंग सील, पुत्र आईसीयू में है भर्ती। लखनऊ पहुंचा अल्पेश यादव, ईडी करेगा पूछताछ, लखनऊ जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जारी किया नोटिस। लखनऊ में चाइनीज सिगरेट से भरा ट्रक पकड़ा, नेपाल से ला रहे थे 50 लाख रुपए की लाइटर हुई बरामद। धूप में घंटों बैठकर लोग करते हैं टैंकर का इंतजार, लोग बोले लखनऊ के डंडैया में 4 महीने से नहीं आ रही सप्लाई। लखनऊ में बालाघाट उप केंद्र पर नाराज लोगों का धावा, कर्मचारियों से दौड़ाकर हुई मारपीट। लखनऊ के फैजुल्लागंज में दूसरे दिन लगा मेडिकल कैंप, घर पर ही मरीजों का चल रहा इलाज। राजभर सीएम की मीटिंग में नहीं गए, केशव से मिलने पहुंचे, सरकार में खींचतान के बीच अब मंत्रियों में गुटबाजी के मिले संकेत। लखनऊ में वार्म नाइट की स्थिति, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, उमस सताएगी, धूप के साथ बादल भी छाए रहेंगे। लखनऊ के जोनल पार्क में देर रात दबंगों का हंगामा, चाय पी रहे दो भाइयों को जाति सूचक गालियां दी, पुलिस से भी भिड़े।
लखनऊ एयरपोर्ट पर एक दो घंटे देरी से उड़ाने, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी का असर अभी भी जारी। एटीसी क्लीयरेंस के न मिलने से फ्लाइट डायवर्ट। लखनऊ में दरोगा ने कैब ड्राइवर को पीटा, कमता तिराहे पर खड़ी की थी कार, चालान करने पर भिड़ा ड्राइवर। लखनऊ में निजी कंपनी का डाटा चुराकर कर्मचारी हुआ फरार, आरोपी पूछताछ में कर रहा था गुमराह। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पीएनजी की सप्लाई, प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बना, ग्रीन एनर्जी के साथ पर्यावरण की रक्षा। पेंशनरों ने मुख्यमंत्री से मुफ्त चिकित्सा सुविधा मांगी, लखनऊ में भाजपा के प्रदेश महामंत्री को सौंपा ज्ञापन। मोदी की 3.0 के बजट से उत्तराखंड को है खास आस, रेल परियोजनाओं के लिए तोहफे की दरकार। देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट, 3 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। हरिद्वार में कांवड़ियों का हुड़दंग, ट्रक से हल्की टक्कर लगने पर चालक को पीटा, वाहन में की तोड़फोड़। रुद्रप्रयाग में पैदल मार्ग पर शाम 5 बजे से सूर्योदय तक यात्रा पर रोक, तेज बारिश में भी नहीं जाएंगे यात्री। टिहरी में आंगन में खेल रही 9 साल की बच्ची को उठा ले गया गुलदार, झाड़ियों से बुरे हाल में मिला शव। हरिद्वार में ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू, रात 12 बजे से 3 बजे तक हाईवे पर चल सकेंगे भारी वाहन। रुड़की और काशीपुर में बनी 5 दवाइयों के सैंपल, सीडीएससीओ की जांच में फेल, लाइसेंस निलंबित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक, 31 अगस्त तक यूसीसी की तैयारी पूरी होने की रिपोर्ट होगी दाखिल। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून के स्कूलों में की गई छुट्टी। भारी बारिश के बाद खुशहालपुर गांव की बस्ती में घुसा पानी, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लोगों को निकाला। बारह साल बाद आखिरकार मिल गया नकली नथुराम, गाजियाबाद से हुआ गिरफ्तार। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने चीन जाएंगे उत्तराखंड के 4 खिलाड़ी। केदारनाथ के पैदल रास्ते पर भूस्खलन के बाद गिरा मलबा, 3 लोगों की मौत, सीएम धामी ने जताया दुख। बद्री केदार मंदिर समिति संभालेगी 47 मंदिरों की सुरक्षा का जिम्मा, डीसीपी रैंक का होगा मुख्य सुरक्षा अधिकारी। उत्तरकाशी में चिकित्सक से अभद्र करने वाला युवक गिरफ्तार, 3 घंटे ओपीडी बहिष्कार से मरीज रहे परेशान। ऐसा मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है, डोनाल्ड ट्रंप की प्रचार टीम ने बाइडन और कमला हैरिस पर कसा तंज।
कनाडा में उपद्रवियों का दुस्साहस, एक बार फिर मंदिर को बनाया निशाना, भारत विरोधी नारे भी लिखे। दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना का हमला, 70 लोगों की मौत, 200 से अधिक हुए घायल। मैं ट्रंप के फितरत से वाकिफ हूं, अपनी टीम से बात करते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पूर्व राष्ट्रपति पर बोला हमला। भारत से वार्ता और कूटनीति के जरिए सीमा मुद्दा हल करेगा नेपाल, पीएम केपी शर्मा ओली बोले सरकार दृढ़ और प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान में आटा दाल की कीमतें आसमान छूने से जनता हलकान, महंगाई दर 23% बढ़ी। सूर्य के सबसे करीबी ग्रह में मिली हीरे की मौजूदगी, वैज्ञानिकों का दावा बुध की सतह के नीचे है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की क्वाड देशों के नेताओं के साथ बैठक, 24 जुलाई से हिंद प्रशांत क्षेत्र का करेंगे दौरा। तुर्की में 4.7 तीव्रता का भूकंप, सरकार ने कहा किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। इमरान खान की पार्टी का ऑफिस सील, आरोप पाक सुरक्षा बलों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। हरे निशान पर खुला बाजार, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,500 के पार। भारत को चाइना प्लस वन का लाभ पाने के लिए इकोसिस्टम की जरूरत, सीए ने कहा दुनिया हमारी ओर देख रही। मोदी सरकार में बदली बजट की परंपरा, चमड़े के ब्रीफकेस की जगह लाल कपड़ा आया, पंचवर्षीय योजना खत्म हुई। सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम, सीतारमण के पहले जसवंत सिंह के नाम है ये रिकॉर्ड। कुंवारों शादीशुदा के लिए टैक्स छूट का अलग अलग दायरा, दो बच्चों पर अधिक छूट मिलेगी। आईडीबीआई बैंक का पहली तिमाही में मुनाफा 40% बढ़ा, आय 3% घटकर 7,471 करोड़ रहा। सोने चांदी के दाम में गिरावट, गोल्ड 234 गिरकर 73,006 पर आया। टेलीकॉम कंपनियां अगले 12 महीने में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगी, प्रति यूजर आय 182 से बढ़ाकर 300 करने की तैयारी। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा पीएम मोदी के सबके साथ सबका विकास मंत्र पर आधारित है नया बजट। रेवेन्यू में गिरावट के बाद विप्रो का शेयर 9.31% गिरा, कंपनी की आय सालाना आधार पर 3.8% घटी। अंतरिम बजट में खेल खिलाड़ियों को मिले 3,442 करोड़ रुपए, पिछले साल की तुलना में 45 करोड़ ज्यादा। पेरिस ओलंपिक से पहले सुमित नागल की शानदार जीत, क्लेन को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।
ऋषभ पंत ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं, जारी किया खास वीडियो। श्रीलंका में हुई आईसीसी की एनुअल कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान जाने को लेकर कोई बात नहीं। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, 41 साल बाद किसी भी भारतीय को ये मिला सम्मान। अगरकर बोले, फिटनेस की वजह से हार्दिक को T20 कप्तानी नहीं, हेड कोच गंभीर ने कहा, रोहित कोहली वर्ल्ड कप 2027 खेल सकते हैं। T20 में श्रीलंका की सबसे बड़ी जीत, एशिया कप में मलेशिया को 144 रनों से हराया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने आईसीसी पर साधा निशाना, बोले जय शाह जो कहेंगे वो लोग वैसा ही करेंगे। हमारे लिए वो टॉर्चर था, पूर्व पाकिस्तानी कोच की मौत पर बोले यूनुस खान, वनडे वर्ल्ड कप 2007 में हुई थी डेथ। डेब्यू मैच में चार्ली कैसल ने रिकॉर्ड्स बुक को हिलाया, रबाडा का रिकॉर्ड तोड़ा, वनडे में कोई भी गेंदबाज अब तक नहीं कर पाया ऐसा। सेट से सामने आई राणा नायडू, दो की झलकिया, बंदूक से निशाना साधते दिखे अर्जुन रामपाल। सोनाक्षी के साथ विदेश भागकर शादी करना चाहते थे जहीर, एक्ट्रेस की मर्जी से हुई इंटीमेट वेडिंग। विक्की कौशल की एक्स गर्लफ्रेंड कह जाने पर हरलीन बोली, मुझे इस लेवल से दिक्कत है, मेरी अपनी एक पहचान है। रॉयल प्री रिलीज इवेंट, धनुष ने फैंस के लिए गाना गाया, पवन कल्याण को बताया फेवरेट एक्टर, जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म करने की जताई इच्छा। भारतीयों से बदतर अमेरिकी, कमला हैरिस को कॉल गर्ल बुलाने वालों पर भड़की कंगना रनौत। सिंघम की 13वीं सालगिरह पर पूरी हुई सिंघम 3 की शूटिंग, रोहित ने शेयर किया इमोशनल वीडियो, बताया अजय के साथ है 33 साल पुराना बॉन्ड। टॉक्सिक से हटकर होगा यश का लुक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक्टर का लेटेस्ट हेयर स्टाइल, डैशिंग लगे रॉकी भाई। कुछ जोक्स मुझ पर सीधा हमला थे, ट्रोली के बाद कुशा कपिला का प्रीटी गुड रोस्ट शो को लेकर छलका दर्द। राहत फतेह अली खान ने गिरफ्तारी की खबरों को कहा फेक, सोशल मीडिया पर दुबई से वीडियो शेयर कर बोले यहां सब कुछ ठीक है, अफवाहों पर यकीन ना करें। पाकिस्तानी एक्टर नुमान याज ने अनंत अंबानी की शादी की आलोचना करने वालों को लगाई फटकार, बोले आप भी इस काबिल बनो। प्राइम शतक में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।